ना तो जनता राव दाम सिंह जी को पसंद कर रही है इस वक्त, और ना ही जनता रामविलास शर्मा जी को दोबारा मौका देना चाहती है। 45 वर्ष में इन दोनों लोगों को खूब मौका दिया गया है। अब इनकी पार्टियों को भी लगभग सर्वेस भी करा लिए इन्होंने, जनता ने भी अपना मत बार बार रखा है। आप मीडिया के साथ ही जितना भी गांव गांव जाते हो, आपके सामने भी जनता ने मुखरता से अपनी बात रखी है कि किसी भी तरह से इन दोनों नेताओं को हटाएंगे, इनको वोट नहीं देंगे। तो मैं समझता हूं कि ना तो राव दान सिंह जी अपनी पार्टी में मजबूत स्थिति में है, और मजबूत स्थिति क्या, राव दान सिंह जी का तो इस वक्त मुझे लगता है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले एक महीने से जब से कि ईडी की उनके यहाँ उनके ठिकानों पर रेड पड़ी थी, उसके बाद से उनकी किसी तरह की कोई तस्वीर, किसी तरह का जनता के बीच में आना, वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि हाइबरनेट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने कैद किया हुआ है, अभी वो जनता के बीच में ही नहीं आए। तो एक महीना जनप्रतिनिधि जनता के बीच से गायब रहे, उसके चुनाव लड़ने पर मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी फैसला उनकी पार्टी ने करना है। दूसरी तरफ रामविलास शर्मा जी हैं, रामविलास शर्मा जी अपनी ही पार्टी की 2019 की लहर में चुनाव हारे थे, ये उनकी पार्टी को याद है। आज भी बार बार मतलब उस टाइम तो मोदी लहर भी बताई जा रही थी, उस टाइम हार गए थे। बता रहा हूँ जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 2014 से मजबूत सरकार बनी थी, यानी कि लहर थी उस वक्त हरियाणा में आम आदमी में भारतीय जनता पार्टी की, और 75 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त रामविलास शर्मा जी को हार का मुंह देखना पड़ा था। जैसे अगर रामविलास शर्मा को दोबारा टिकट दे दी जाती है, तो पिछली बार यानी कि 2019 के भांति अब 2024 में बड़ी चुनौती का सामना शायद रामविलास शर्मा को करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि रामविलास शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे अगर, और पार्टी उन पर दाव खेलती है, तो जो स्थिति उनकी 2019 में हुई थी उससे भी बदतर स्थिति इस बार होने वाली है। और इस बार तो जनता ने, मैं समझता हूँ कि इस 5 साल में आपने देखा होगा जिस तरह से लोगों ने मुखरता से बोला है, तो इस बार जमानत जब्त होने वाली कगार पर रहेंगे दोनों ही नेताओं का ये हाल होगा। लोकसभा के अंदर जहाँ जनता एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त रामविलास शर्मा जी को महेंद्रगढ़ के लोगों ने हराया सिटिंग विधायक होते हुए, सॉरी रावदान सिंह जी को। तो रावदान सिंह जी को जब सिटिंग विधायक होते हुए जनता ने लोकसभा भेजने से नकार दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि रावदान सिंह जी के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी भी जमानत जब्त हो। okay. नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आज हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हैं, और ये महेंद्रगढ़ में ये काफी बड़ा ऑफिस यहाँ पर बनाया गया था काफी साल पहले, और जो चुनाव की जैसे ही हरियाणा में घोषणा होती है तो उसको लेकर के काफी सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के काफ़ी जो युवा नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम एक हरियाणा को लेकर के चर्चा करेंगे, और महेंद्रगढ़ विधानसभा खासकर उनसे हम सारी बातें विस्तार से साझा करेंगे। तो मनीष जी क्या कहना चाहेंगे, जो है परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, और परीक्षा की जो डेट है 1 अक्टूबर वो भी निर्धारित कर दी गई है, 1.5 महीने के करीब चुनाव के बाकी हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है ये चुनाव की तारीख जल्दी तो नहीं आ गई है, कितनी तैयारियां हैं परीक्षा की आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कल आदर्श आचार संहिता हमारे हरियाणा के इलेक्शन को लेकर लागू हो चुकी है, और हरियाणा का इलेक्शन 1 अक्टूबर को होना तय हुआ है, इसकी घोषणाएं हो चुकी हैं, इसका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है, और आम आदमी पार्टी अपना पूरा संगठन जिस तरह से पिछले समय में बना चुकी, उस संगठन के साथ में 45 बड़ी जनसभाएं पूरे हरियाणा में अभी हम पूरी करके हटे हैं, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस इलेक्शन को लेके तैयार है, और जनता जो है वो एक नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। अभी आपने बताया कि नए विकल्प के रूप में जुड़ी है, तो क्या लगता है पुराने विकल्प जो थे, पुराने जो कैंडिडेट थे, वो कहीं ना कहीं जनता अब की बार नकार चुकी है, और मूड अब की बार नए चेहरे को देखा जा रहा है? सीधी सी बात है कि सभी पार्टियों को हरियाणा की जनता ने मौका दिया है, बीजेपी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, जेजेपी को मौका दिया, इनेलो को मौका दिया, और अब जब इन चारों पांचों पार्टियों से जनता मौका देके देख चुकी है और ये जनता के लिए काम नहीं कर पाए, तो अब हरियाणा की जनता ये देखती है
कि हमारे एक हाथ पर दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा और उनका काम आज वहां उस काम का बोलबाला है। पंजाब के अंदर जिस तरह से आम लोगों के काम किए जा रहे हैं, आम लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी हरियाणा के हर जरूरतमंद व्यक्ति जिसका सरकार के सहयोग से घर परिवार चलता है उसकी पहली जरूरत बन चुकी, उसकी पहली पसंद बन चुकी। मनीष जी, जैसे अब हरियाणा में जैसे चुनावी बिगुल बज चुका है, तो पार्टियों का टिकट बंटवारे का कब तक निर्धारित होगा? क्योंकि काफी बड़ा पद है आपके ऊपर भी, जैसे जिम्मेदारियां हैं हरियाणा की, तो क्या देखते हैं आपकी पार्टी कब तक उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी? बिल्कुल, इस पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का लगातार मंथन जारी भी है और बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, क्योंकि ये इलेक्शन अभी डिक्लेयर हुआ है और अब सभी पार्टियां लगभग कैंडिडेट की तरफ बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 45 जनसभाएं की है और उनकी सफलता को देखते हुए, वहां पे हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनका काम देखते हुए, ये ऑलरेडी हमारी स्क्रूटनी हो चुकी है, यानी पूरी तैयारी है किसको कहाँ चुनाव लड़ाया जाना है, ये आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लगभग तय कर रखा है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, वो जल्दी किसी ना किसी बैठक में मीटिंग करके और उनका ऐलान किया जाएगा। मनीष जी, जैसे 45 साल वाले नेता जो है लगातार यहाँ कई सालों से 45 साल बार बार हम जिक्र करते हैं, तो क्या मानते हैं अगर वही नेता अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो किस तरह से उनको टक्कर दे पाएंगे, या क्या लगता है कि भाई पार्टियां समय रहते उन चेहरों को बदल सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दोनों ही पार्टियां दोनों ही नेताओं पे दाव खेलने को तैयार है, क्योंकि स्थिति जो है वो जनता के बीच में स्पष्ट हो चुकी है। ना तो जनता राव दाम सिंह जी को पसंद कर रही है इस वक्त, और ना ही जनता रामविलास शर्मा जी को दोबारा मौका देना चाहती है। 45 वर्ष में इन दोनों लोगों को खूब मौका दिया गया है, अब इनकी पार्टियों को भी लगभग सर्वेस भी करा लिए इन्होंने, जनता ने भी अपना मत बार बार रखा है। आप मीडिया के साथ ही जितना भी गांव-गांव जाते हो, आपके सामने भी जनता ने मुखरता से अपनी बात रखी है कि किसी भी तरह से इन दोनों नेताओं को हटाएंगे, इनको वोट नहीं देंगे। तो ये बात इन पार्टियों के नेताओं को भी मालूम होगी, शीर्ष नेतृत्व को मालूम होगी। तो मैं समझता हूँ कि ना तो राव दान सिंह जी अपनी पार्टी में मजबूत स्थिति में, और मजबूत स्थिति क्या, राव दान सिंह जी का तो इस वक्त मुझे लगता है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले एक महीने से जब से कि ईडी की उनके यहाँ उनके ठिकानों पर रेड पड़ी थी, उसके बाद से उनकी किसी तरह की कोई तस्वीर, किसी तरह का जनता के बीच में आना, वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि हाइबरनेट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने कैद किया हुआ है, अभी वो जनता के बीच में ही नहीं आए। तो एक महीना जनप्रतिनिधि जनता के बीच से गायब रहे, उसके चुनाव लड़ने पर मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी फैसला उनकी पार्टी ने करना है। दूसरी तरफ रामविलास शर्मा जी हैं, रामविलास शर्मा जी अपनी ही पार्टी की 2019 की लहर में चुनाव हारे थे, ये उनकी पार्टी को याद है। आज भी बार बार मतलब उस टाइम तो मोदी लहर भी बताई जा रही थी, उस टाइम हार गए थे। मैं बता रहा हूँ, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 2014 से मजबूत सरकार बनी थी, यानी कि लहर थी उस वक्त हरियाणा में आम आदमी में भारतीय जनता पार्टी की, और 75 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त रामविलास शर्मा जी को हार का मुंह देखना पड़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ उनके निजी कारणों से, यानी कि उनकी पार्टी की लहर होते हुए भी जब वो हारे थे, तो उनकी जो जनता के बीच में छवि है वो लगातार गिरती जा रही है। जनता के काम ना करना, जनता की सुनवाई ना करना, जनता की समस्या ना समझना, इन कारणों से उनको उन्हें जनता ने नकारा था। अब जैसे अगर रामविलास शर्मा को दोबारा टिकट दे दी जाती है, तो पिछली बार यानी कि 2019 के भांति अब 2024 में बड़ी चुनौती का सामना शायद रामविलास शर्मा को करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि रामविलास शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे अगर, और पार्टी उन पर दाव खेलती है, तो जो स्थिति उनकी 2019 में हुई थी उससे भी बदतर स्थिति इस बार होने वाली है। और इस बार तो जनता ने, मैं समझता हूँ कि इस 5 साल में आपने देखा होगा जिस तरह से लोगों ने मुखरता से बोला है, तो इस बार जमानत जब्त होने वाली कगार पर रहेंगे दोनों ही नेताओं का ये हाल होगा। लोकसभा के अंदर जहाँ जनता एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त रामविलास शर्मा जी को महेंद्रगढ़ के लोगों ने हराया सिटिंग विधायक होते हुए, सॉरी रावदान सिंह जी को, तो रावदान सिंह जी को जब सिटिंग विधायक होते हुए जनता ने लोकसभा भेजने से नकार दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि रावदान सिंह जी के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी भी जमानत जब्त होगी।
कहीं ना कहीं रावदान सिंह का हार का कारण राव इंद्रजीत भी जिसे सुनने को आ रहा है, कहीं ना कहीं अहिरवाल के बड़े नेता हैं। तो क्या लगता है कि टिकट बंटवारे में जो है बीजेपी के ये जितने भी अब इधर के जो इलाके हैं, मतलब महेंद्रगढ़ या दादरी से जो दक्षिणी हरियाणा माना जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं इंद्रजीत का भी मतलब हाथ देखा जा सकता है? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह से मैं देख रहा हूँ 2014 और 2019, तो दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और लगभग दक्षिण हरियाणा की सभी सीटों पे उनका वर्चस्व देखा जाता था। लेकिन अब उनकी जो राजनीति है वो बड़ी कमजोर होती जा रही है, जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी आरती राव जी की टिकट के लिए 2014 और 2019 में संघर्ष करते नजर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी कोई सुनवाई नहीं करती नजर आई है। इस बार भी उस टिकट के लिए बेटी को चुनाव लड़ाने के संघर्ष में राव इंद्रजीत सिंह जी नजर आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है, परिवारवाद के खिलाफ बात करने वाली पार्टी इस बार परिवारवाद का बोलबाला बनाती है, क्योंकि उधर कृष्ण पाल गुर्जर जी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे नेता अब चाहते हैं कि हमारे परिवार को चुनाव लड़ाया जाए, परिवारवाद से पार्टी चलाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, अगर दक्षिण हरियाणा में इन नेताओं को परिवारवाद को रोकते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं बुरा हाल इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण हरियाणा। मनीष जी, क्या लगता है दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी में एक बड़ी फूट दिखाई नहीं दे रही है कि भी यहाँ पे जो नेता है वो एक तो एक साइड खेच रहे हैं पार्टी को, वो कहता है कि मैं पार्टी का ज्यादा बड़ा नेता हूँ और मेरे हिसाब से टिकट बंटवारा होना चाहिए, और एक नेता जो बड़ा जो नेता है वो कहता है कि मैंने इस पार्टी को हरियाणा में जिंदा रखा तो इसमें मेरी चलनी चाहिए। ऐसा लग नहीं रहा है कि दक्षिणी हरियाणा में मतलब इतनी फाड़ हो गई है बीजेपी में तो इसका जीतना मतलब काफी मुश्किल नजर आ रहा है? सबसे बुरा दौर जो है हरियाणा की जनता ने जो देखा है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में देखा है। इस पार्टी के अंदर जिस तरह से नेताओं के साथ, इनके खुद के चुने हुए नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव किया जाता है, उससे इनकी पार्टी के अंदर जो खींचतान है वो साफ दिखाई देती है। मुख्यमंत्री को जिन्हें हटाना पड़ जाए और नए मुख्यमंत्री को बिठाना पड़ जाए तो समझ सकते हो आप उस पार्टी की क्या हालत है। जिसके गठबंधन से जो सरकार चल रही है और वो गठबंधन बीच में टूट जाए, इससे पता चलता है कि ये समन्वय नहीं बना पाते, ये एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर सकते, ये जनता के लिए काम नहीं कर पाते। जिसके खिलाफ सारे के सारे वर्ग, चाहे वो कर्मचारी हो, हमारी माताएं बहनें हो, चाहे वो हमारा व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, युवा हो, रोजगार के लिए हर व्यक्ति ने जिस सरकार के खिलाफ धरना दिया हो, चुने हुए प्रतिनिधि सरपंचों ने भी जिस सरकार के खिलाफ धरना दिया हो, तो समझ में आता है कि वो सरकार किसी के लिए काम नहीं कर रही। तो भारतीय जनता पार्टी एक जीरो पार्टी है काम के मामले में, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही से वो सरकार में बनी रहना चाहती है, कुर्सी में बनी रहना चाहती है, मनमाने तरीके से शासन चलाती है, जनता के हित में, जनहित में कोई काम नहीं करती। जिस तरह से हर व्यक्ति आपने देखा कि पोर्टल के चक्कर में हरियाणा का एक एक व्यक्ति परेशान रहा, जगह जगह घूमता रहा, दर बदर घूमता रहा, दफ्तरों में सुनवाई नहीं हुई, उसके अपने काम नहीं हो पाए क्योंकि उसके पास उसके कागजात पूरे नहीं थे, उसके प्रमाण पत्र पूरे नहीं थे, और उनको ठीक कराने जाता था तो कोई सुनवाई नहीं करता था। इस बुरे दौर से हरियाणा की जनता गुजर के आई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई स्कोप है। जिस तरह से ये कभी एक दो सीटों पर हुआ करती थी, वापस इस 2024 के चुनाव में उसी जगह पहुंच जाएगी, एक दो सीट पर सिमट कर रहने वाली। मनीष जी, जैसे लोकसभा चुनाव में पीछे जो है गठबंधन से चुनाव लड़ा गया था और तकरीबन पार्टियां एक होकर के बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई थी, तो क्या लगता है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में भी कोई इस तरह की बात सुनने को आ रही है, आपकी पार्टी कहीं गठबंधन या अकेली 90 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेगी? हमारी 90 की 90 विधानसभाओं पे तैयारी है और 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है जनता के काम के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, जनता की जरूरतों के लिए। इस विजन के साथ, आम लोगों को मजबूत करने के विजन के साथ, गरीब व्यक्ति को गरीबी से लड़ने की ताकत देने के विजन के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आती है। और इस वक्त हरियाणा की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी वो सही विकल्प है जिसके साथ हरियाणा की जनता को जाना चाहिए, 2024 में जिसकी सरकार बनानी चाहिए। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी और बहुमत की सरकार इस बार हरियाणा में बनाएगी।
बिल्कुल। और मनीष जी, जैसे अभी चुनाव का कुछ ही समय बाकी है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव के जो दौरे होते हैं या चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं, कि किस तरह से आगे का फैसला है, मीटिंग करके जो है वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करना है, तो किस तरह की तैयारियां हैं आपकी विधानसभा? देखिए, हम लोगों ने ये काम बखूबी अब तक चलाया है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव ले जाना, घर घर ले जाना, व्यक्ति व्यक्ति तक ले जाना। इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हरियाणा की जनता को 5 गारंटियां दी गई हैं। इन 5 गारंटियों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, हर व्यक्ति को इन गारंटियों के बारे में बताएंगे और हर व्यक्ति का मत समर्थन लेंगे। ये तैयारी है, इसके तहत सभी एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास जो है वो आम आदमी पार्टी का रहेगा, हर व्यक्ति के को साथ में लेके इस चुनाव को मजबूती से लड़ने की हमारी रणनीति है। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी ऑफिस महेंद्रगढ़ में हम मौजूद हैं और यहाँ पे चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। हरियाणा में जो है ये 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। और जो यहाँ से 45 साल से लगातार राज कर रहे हैं, उन नेताओं को लेकर के भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से लोगों का शोषण किया गया यहाँ पे, किस तरह से अनदेखी की गई इस इलाके की, और इस इलाके को कहीं ना कहीं बैकवर्ड बनाने का हाथ इन नेताओं का ही है। तो आप जो है सारी इंटरव्यू के माध्यम से हमारी खबरें देखते हैं, तो आप हमारी खबरें कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और कौन नेता जो है आपको बेस्ट नेता नजर आ रहा है महेंद्रगढ़ विधानसभा में, वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइन, उसके साथ नमस्कार।